सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज ईद का दूसरा दिन है, मेरी तरफ से सारों को ईद मुबारक। बकरा ईद चल रही है तो आज ईद का दूसरा दिन है। आज ईद के दूसरे दिन हम बनाएंगे मटन कढ़ाई, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मटन कढ़ाई कैसे और किस तरह बनती है। चलें देखते हैं कि कैसे मटन कढ़ाई बनेगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में भी शेयर कीजिएगा। चलें देखते हैं कि मटन कढ़ाई किस तरह पकती है। ये हमने प्रेशर कुकर के अंदर एक गिलास पानी का लिया, इसके अंदर हमने एक चम्मच सिर्फ लहसुन का डाला है, लहसुन की पेस्ट करके। अब दो चीजें इसके अंदर, एक पानी है और एक लहसुन है, इसके अलावा अभी तक कोई चीज नहीं है। अब इसके अंदर हम जो अपना मटन है वो डालने लगे। अब ये हो गया, अब इसके अंदर ये मटन है, ये 1.5 किलो के करीब है, ये इसके अंदर आप डालने लगे। ये हमने डाल दिया मटन इसके अंदर। अब हम इसके अंदर नमक डालने लगे 1 चम्मच के करीब, बाकी चाक कर डाल लेंगे। अब नमक हमने इसके अंदर डाल लिया। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके अब इसे हम वेट लगा देंगे 10 से 15 मिनट। अब ये जी 15-20 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। अब इसे हम खोल कर चेक करने लगे हैं कि ये कहाँ तक पहुँचा है इसका। ये देखें, अब ये तकरीबन गाल चुका है। अब इसे हम शिफ्ट करेंगे जी अपनी कढ़ाई के अंदर। अब इसके अंदर डालने लगे। अब इसके अंदर हम चौथा हिस्सा यानी कि 1/4 हल्दी का चम्मच डालने लगे हैं। थोड़ी सी सुरख मिर्च, क्योंकि हम इसे पकाने लगे हैं काली मिर्च के अंदर, तो इसलिए हमने तकरीबन 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम डालने लगे हैं सुरख मिर्च। अब इसके अंदर हम प्याज डालने लगे हैं, प्याज में और टमाटर डालने लगे हैं। प्याज जो मैंने एक दरमियाने साइज का ले लिया, ज़्यादा प्याज इसके अंदर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। गोश्त तकरीबन गाल चुका है अच्छे तरीके से, अब प्याज हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का, 1 चम्मच सिर्फ अदरक का डालने लगे हैं। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी का, प्योर घी जो होते हैं वो डालने लगे हैं। 1 चम्मच बहुत है, क्योंकि ये कुर्बानी का गोश्त है तो इसके अंदर अपनी भी जो चर्बी सी होती है उसका भी घी नज़र आता है, तो इसलिए 1 चम्मच बहुत ज़्यादा। अब इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम ढक्कन देकर रखने लगे हैं ताकि प्याज जो है हमारा बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाए। इसके अंदर अब हमने दही डाल दी है। दही एक्चुअली जब मैं डाल रहा था तो मैं फिल्म नहीं बना सका, तो वो मैं दिखाना भूल गया था। अब मैंने थोड़ी सी दोबारा आपके सामने डाली, आपने दही भी डालनी है तकरीबन 1 कप। अब तकरीबन 10 मिनट बाद हम इसे देख रहे हैं, पानी इसमें से अच्छी तरह खुशक हो चुका है। अब ये 10 मिनट बाद हमने इसे चेक किया, इसमें से पानी जो है मुकम्मल तौर पर खुशक हो चुका है। अब इसे 10-15 मिनट मज़ीद भूनेंगे, भूनने के बाद फिर ये हमारा सालन तैयार हो जाएगा। अब ये काफ़ी भुन गया, इसने घी छोड़ दिया 5-10 मिनट भुनने के बाद। अब लास्ट पर हम इसके अंदर काली मिर्च डालने लगे, और काली मिर्च 1/4 में डालने लगे सिर्फ टेस्ट देने के लिए, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये जलन करती है। अब ये कढ़ाई हमारी पक चुकी है जी, ये देखें। अब लास्ट पर इसके ऊपर सिर्फ हम डालने लगे हैं सब्ज़ मिर्च चॉप करके,
छोटी छोटी कर गई, ये मैंने सब्ज मिर्च चॉप कर ली है, अब ये डालने लगे हैं इसके ऊपर। अब ये कढ़ाई हमारी तैयार है जी, बिल्कुल रेडी है। अगर आपके पास फ्रेश धनिया हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, मेरे पास इस टाइम है नहीं, तो इसलिए मैंने सिर्फ सब्ज मिर्च डाली है। और ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, घर में इसे ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।